तो गाइस आज हमारे चूल्हे का पहला दिन है। चूल्हे की रोटी चूल्हे बनेगी तो तवे का क्या काम है? बिना तवे की रोटी कैसे बनेगी? ये बात तो मुझे भी पता है। पापा मम्मा ने फिर से बुझा दी। पहले करती थी कभी बैटरी से देखा हो या फिर कुछ? बैटरी नहीं होती थी, मोमबत्ती होती थी। तूने कभी सोचा था कि तुम्हें शादी कैसे फिर ऐसे प्याज टमाटर काटने पड़ेंगे? एक साल बाद रोटी बनाई है कि पहली रोटी मैंने बनाई थी ना वो गोल नहीं बनी थी, फिर मैंने रोटी डिलीट कर दी। गोलू क्या कर रही है? तो यहाँ पे ना इनकी प्लेट हो गई है रेडी। पिछले 2 घंटे से भैया सब्जी रोटी बनाने के बाद यहाँ पे एक रोटी आई है जली हुई। चूल्हे पे रोटी बनाना बहुत टफ है। एवरीवन कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज इनके ना स्टॉलर आ गए हैं तो हम इनको पहली वॉक पे लेके जा रहे हैं इनके स्टॉलर। वाओ यहाँ पे टू ब्रदर्स भी बैठे हैं। जो ट्विंस ब्रदर्स हो आप ट्विंस भाई हो, आप भी बैठे हो, ये हैप्पी हैप्पी। पायल पूरी फैमिली आ जाएगी लिफ्ट में। दो इसमें जाना, मैं इसमें जाऊंगी। हाँ ये बिग साइड है। तूबा गर्ल है तो तूबा गेम का खेल रहा है। तो गाइज ये है हमारी बच्चा पार्टी, पूरे हम लोग हो गए रेडी। तो सबसे बड़ा जो टास्क है ना वो ये रहेगा कि लिफ्ट में देखते हैं हम सारे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और आज है बच्चों की फर्स्ट सोसाइटी वॉक, तो देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। रिव्यू लूंगी सबसे मैं एक एक करके। तो गाइज इनके कितनी क्यूट लग रहे हैं बच्चे। फ्रेंडशिप देखना, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ। चलो भाई भाई दोस्त दोस्त पाले पाले दोस्त दोस्त। बच्चों दादी मम्मी की बात नहीं सुन रहा, दीदी आने वाली है। दीदी को धप्पा कर ली, धप्पा कर ली, धप्पा। पायल आने वाली, पायल को धप्पा करते हैं, साथ में तुम्बा भी है, थोड़ा धीरे धप्पा कर लूंगी। 1 2 3 धप्पा। मौसम बहुत अच्छा है गाइस, तो बच्चों ये मौसम का जादू। तो यहाँ से निकल जाएगी नहीं निकलेगी, नहीं यहाँ से निकलेगी। ओहो गाइस हम फंस गए हैं। तो उधर के साथ चलो, ट्विंस बेबी के साथ ही हो गया। हमारे वन बेबी का है, वन बेबी को पकड़ हुआ है। वन बेबी अकेले वॉक कर रहा है। तो मेरा वन बेबी ना अकेले वॉक कर रहा है। वन बेबी अब अकेले वॉक कर लेते। तो फाइनली दोनों गाड़ियाँ निकल चुकी हैं अपने पड़ाव पर, नेक्स्ट पड़ाव पर। दोस्ती दोस्ती नहीं तोड़ेंगे बेटा। पैर अंदर, गाड़ी से पैर बाहर निकालते हो गलत बात। तो इन्होंने जब से गाड़ी में बैठे हैं ना, इन्होंने दोनों ने अपने हाथ पकड़े। डर लग रहा है, इन दोनों को डर लग रहा है, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं कि घबरा मत भाई, मैं तेरे साथ हूँ भाई, तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। इसी बहाने हमारी भी वॉक हो जाएगी बच्चों के साथ साथ। बच्चे अपने प्रेम प्रेम में वॉक कर रहे हैं और हम लोग पाए पाए वॉक कर रहे हैं। पाए 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 पैर हाथ पर बाहर नहीं निकालते बच्चे, एक्सीडेंट होने का डर होता है। देखो देखो भाई सब थोड़े, ये देखो आपको समझ में नहीं आ रहा मम्मा क्या समझा रही है? पैर अंदर, पाए जल्दी आ, आ गया आ गया आ गया आ गया। तूने समझाया था ना पैर बाहर निकालना, तो ये ऊपर निकाल रहे। ए लड़का बिना क्या करता तू? मैं ये कह रही हूँ कि इनको ना एक चक्कर अभी अपना वहाँ होएगा, दूसरे चक्कर में तो सो जाएंगे और फिर सो जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे। अपने ऐसे करो, देखो दीदी इसको ऊपर ले जाओ, ये आगे वाला आ गया फिर पीछे वाला, ऐसे करो। हाँ तो गाइस हम लोगों ने 2 राउंड ना पार्क के भी मार लिए, बस अब ऊपर जा रहे हैं। अब आएंगे बच्चों को लेके शाम को, और दिन में एक बार तो पक्का लेकर आएंगे, ठीक है? बच्चों को भी हवा लगेगी और हमारी भी वॉक हो जाएगी। अगर हम नहीं आ पाए तो आंटी जी को भेज देंगे बच्चों के साथ, आंटी ले आएगी बच्चों को घुमाने के लिए। तो गाइस बस अभी मैं आई हूँ शावर लेकर, और ना ये वाला जो एरिया ना पूरा खाली हो गया। ये एरिया किसका हो गया दिखा देती हूँ। तो गाइस ये वाला जो एरिया ना पूरा खाली हो गया, तो इसमें बच्चों का वॉकर, स्ट्रॉलर और हाई चेयर, ये सारी चीजें ना यहाँ पर हमने पार्क कर दी है। यहाँ से लिया और बाहर गए, बच्चों को घुमाया, फिर वापिस यहाँ पे दिया। पर घर लाने से पहले ना हमने सारे टायर्स ना क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को वॉक करा कर आए थे, नहीं तो घर गंदा हो जाता, तो सारे टायर्स क्लीन कर दिए। गाइस अभी ना बैठ के हम तीनों ना यहाँ पे बात कर रहे थे। हम बात क्या कर रहे थे कि ना पहले ना मुझे ना पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते थे, प्रेगनेंसी चल रही थी ना तो इतने ज्यादा क्रैम्प्स आते थे, मैं रोने लग जाती थी, इतनी जोर से नस पे नस चढ़ जाती थी। और ना आज ऐसे ही मेरे को है ना इस वाले पैर में ना फील हो रहा था, लेफ्ट साइड वाले पैर में। तो मैंने गोलू को बोला, मैंने कहा गोलू प्रेगनेंसी में कितने क्रैम्प्स आते थे हमें, बहुत ज्यादा। और सच में उस टाइम के जो क्रैम्प्स होते थे इतने दर्द वाले होते थे, पैरों को ऐसे मारना मसलना ये करना ऐसे करना, फिर जाके वो ठीक होते थे। और इतनी चीखे निकलती थी जब क्रैम्प निकलते। ना एक बार की बात याद है शांति, मेरे पैरों में ना इस साइड पर नीचे इतने बुरा क्रैम्प आया था, इतना दर्द हो रहा था ना मैंने क्या किया, मैंने लक्ष्य को पता नहीं तूत या लक्ष्य को बोला था, रात की बात है, उसको बोल के गाइस मैंने तेल लगवाया पैरों में कम से कम 20 मिनट। पहले तो बात ही अलग थी, और पहले दीदी को सपने भी तो कितने आते थे, एकदम से चिल्लाने लगते थे पहले। पता है गाइस क्या होता, स्टार्टिंग में पायल को सपने आने लगे जैसे सो रहे हैं, ठीक है
पूरा एक मिनट तू रुक जाओ, शांति पकड़ी उसको एक मिनट, जैसे ना पायल ऐसे करके सो रही है, ठीक है, अब हम प्रेगनेंसी थी सीधा सोते थे ऐसे कर सो रही है, चल ऐसे ना ऐसे कर देती थी, मैं 2-10 दिन तो मैं परेशान रही कि यार चल यार बेचारी ना उठा देती हूँ, फिर ना गहरे बार भी ना मेरे को भी यार प्रेगनेंट थी नींद आ रही तो मैं सोती थी ना पल के साथ, पल जैसे अचानक से आवाज आई तो मैं देखती थी मैं सोचाती थी अपना छोड़, शांति जब सुबह आती थी ना शांति तू क्या देखती थी, पर मैं भी आते ही दीदी को ही देखती थी, मैं के देखूं कहीं सपने सुपने तो नहीं आ रहे, अब ठीक हो गया दीदी अपने आप ही सही हो गया, अब नहीं आते गाइस मुझे बिल्कुल भी सपने, पहले इतने बुरे बुरे सपने आते थे प्रेगनेंसी के दौरान, कहते हैं ना कि उस टाइम ना बच्चा छोटा होता है उसे कुछ पता नहीं होता, कभी भी रोता है कभी भी हंसता है क्योंकि उन्हें सपने आते हैं, ऐसे ही उस टाइम मेरे साथ हो रहा था, बहुत ज्यादा अजीब अजीब सपने आते थे, डर जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी जोर जोर से। तो गाइस आज हमारे चूल्हे का पहला दिन है जिसपे हम खाना बना के खाएंगे और यहाँ पे लोग देख सकते हो बहुत सारे 8-10-12-15 लोग हैं, इनका सबका खाना हमें बनाना है और साथ में आज वो भी हमारे साथ यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, एकदम ना यहाँ पे चल रही है पीलिंग और पायल एक बात बता, सारे नए चाकू, ये नया क्यों नहीं है पीलर, ये पीलर नया था, नया था ये वो सस्ता वाला होगा ना, मैंने ऐसे ले लिया होगा, तो लड़कों को पता नहीं क्या क्या चीजें लेनी है, नेक्स्ट टाइम एक अच्छा पीलर लेके आऊंगी इनके लिए। पायल बहन चूल्हे की रोटी तो चूल्हे बनेगी तो तवे का क्या काम है, बिना तवे की रोटी कैसे बनेगी, चूल्हे की रोटी कैसे बनती है, तवे की रोटी तो हम कैसे बना सकते हैं, अबे चूल्हे की रोटी इसलिए होती है कि वो जो आग जो नीचे जल रही है वो लकड़ी से उससे है, उसके बाद क्या है तवे पे थोड़ी सी गर्म होगी और फिर निकाल के हम जो आग है ना उस पर हम ऐसे ऐसे घुमा के पलट सकते हैं, उसे चूल्हे की रोटी कहते हैं, उसे चूल्हे की रोटी कहते हैं, मैं सोचता हूं चूल्हे के अंदर ही रोटी रख के बनाया जाता है, वो तंदूर की होती है, वो तंदूर होता है, वो तंदूर है ना, ये बात तो मुझे भी पता है, बेटा शक्ल दिखाओ, चूल्हे की रोटी चूल्हे के ऊपर, इसलिए पता है ना क्योंकि भैया पिछली बार प्रेगनेंसी में तो ना हम लोगों ने छत पे खाना खाया ये, तो मेरे को भी नहीं पता था कैसे बनाते हैं चूल्हे की रोटी, बट मैं उस टाइम देखा है ना पायल को बनाते हुए तो मुझे पता है, पहले क्या बनाने की इच्छा पायल, पहले सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनी होगी फिर गर्म गर्म रोटी साथ में बनती, तो यहाँ पे जो हमारे आलू है ना सारे के सारे कट गए और बहुत सारे लोग है ना तो बहुत सारे आलू काटे, तो यहाँ पे टमाटर प्याज और मिर्ची ये जा रही हूँ मैं पायल आलू वाले पानी से धोने, ठीक है, डंडे का क्या करेगी, अरे गुड्डू अभी फूकनी नहीं मिली ना, हाँ तो इसको मैं, सही है आवाज भी फूकने वाली यार इसमें तो, अच्छा संभाल के रख ले पायल, सर्दियों में ना बहुत चीजें ना मजेदार होने वाली है, सुबह सुबह ना चाय के जो पराठे हो गए ना, मूली के पराठे बना के खाऊंगी, मतलब जो चूल्हे में जो सुकून मिलेगा ना मजेदार वाला वो कहीं नहीं मिलने वाला, अगर आप हरियाणा से हो तो आपको चीजें आनी चाहिए, है पायल चीकू फूक मार रहा भाई चूल्हे में, चीकू सीख रहा है मेरे से, कह रहा मम्मा मुझे सिखा दो फूकनी में कैसे फूक मारते हैं, मैंने कहा बेटा वो अंदर घुसा देगा, मम्मी यहाँ रख के, मैंने कहा रख के नहीं करते बेटा, दूर से फूक मारेगा अंदर तक जाएगी, देख बात, सही है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, मम्मी आ गई तेरी देखो आ गई भागती हो आ रही वहां से, वो देख जला दी प्राउड प्राउड है चीकू तू हरियाणा से, पाल के डर से तो अच्छा छुका क्या भाग दे, पापा मम्मा ने फिर से बुझा दी, मैंने पहली बार चूल्हा देखा था है? पिछली बार तो मैंने बोला पाल को, मैंने कहा पहले गैस तो जल जाती है हमारे में तो ऑन सिम कर देती है, इसको सिम कैसे करती है आप बताओ, नीचे उतारना पड़ता है तवा हो या कढ़ाई हो नीचे उतारने पड़ता है, कटोरी लगा तो आज ना प्याज काटते काटते एक चीज याद आ गई, पहले पाल के पास आई थी ना मेरे को ऐसे प्याज से ना लगता था आंखों में आंसू आ रहे हैं, प्याज काटने नहीं आते थे, पाल कहती थी गोलू प्याज काट दे, तो मैं बोलती थी कैसे काटूं, तो पतले पतले लंबे लंबे करती थी, मैं पतले पतले लंबे को भी इतना मोटा करती थी, और एक बार बोला टमाटर काट दे, टमाटर काटना नहीं आया, हाँ तो मेरे को कहती एक बार ना, हाँ याद आ गया, मैं दिल्ली में खाना बना रहे इसने प्याज तो काटना सिखा दिया, कह रही गुरु टमाटर काटी हूँ, मैंने टमाटर निकाला फ्रिज से और काट के दे दिया, मैंने कहा ये ले, कह रही धोया नहीं, मैंने कहा अब धो दूँ, काटे हुए टमाटर थोड़े धुलते हैं, तो अब देखो कितनी हर चीज में कितनी परफेक्ट हो गई हूँ मैं, घर में गैस है क्यों परेशान हो रही है, घर चल गैस की रोटी तो रोज खाते हैं, चूल्हे की रोटी खाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा उसमें प्रोटीन कितना होता है, अच्छा एक बात और, घर पे आना खाते हैं पर घर पे इतनी मेहनत नहीं करते पायल है, बाकी काम हम बिजी रहते हैं, पर आज कितना अच्छा लग रहा है, खुद एक एक चीज कट कर रहे हैं, खुद जला रहे हैं, मजा आ रहा है, पायल लकड़ी को आगे तो घर तभी तो जलेगी, यहाँ पे लाइट की थोड़ी दिक्कत है ना तो बैटरी के साथ खाना बना रही हूँ, कोनी कल लगवा दूंगा, यहाँ पे चीकू कल लगवा देंगे ऊपर, वहाँ ऊपर लगवा देंगे सीधा रोशनी इधर, हमने तो अपनी साइड साइड तो लगाई हुई है बड़ी बड़ी लाइटें है, पता नहीं था ना यहाँ चूल्हा लगेगा, बना भी चूल्हा अच्छा है ना, मस्त बना है, पायल ऐसे याद आ रही है कोई ऐसे पहले करती थी कभी बैटरी से देखा हो या फिर कुछ ना, और ये पहली बार थी, बैटरी नहीं होती थी मोमबत्ती होती थी, मोमबत्ती की रोशनी से, तो भैया यहाँ पे आगे बहुत ही मजेदार सी चाय, पीछे धुआं है और धुआं हम शूटिंग में देखते थे, आज भैया यहाँ धुआं चल रहा है, चाय आगे मजेदार सी, पायल आगे चाय पी ले पहले, भैया का मेरे दिल नहीं लगा, ओहो
अकेली कहाँ थी, बात ही ना तो मतलब मैंने कहा सारे लोग यहाँ पे है ना, तो मैंने कहा चल तू भी आ जा। तो कौन लेके आया इसको? राहुल पूरा ध्यान रखता है तू निक्की का। भाभी है, देखो भाभी का तो रखना पड़ता है। राहुल हमारी बात नहीं मानता सारी, सबसे पुराना है राहुल। क्या बात है, बोल इतनी मेहनत ऐसी हूँ मैं। तूने कभी सोचा था कि तुम्हें शादी करे फिर ऐसे प्याज टमाटर काटने पड़ेंगे? नहीं, को सिखाया भी तो है ना। अच्छा पहले इसलिए सोचा नहीं था ऐसे काटूंगी, आता नहीं था इतना काम करना ना। अब ये कि सारा काम करना आता है, घर वर का काम सारा संभाल सकती है। पाए तो टेंशन फ्री कहीं भी जा सकती है। अरे कहीं जा सकती है तू? हाँ मैं जा रही हूँ। इसको नहीं बताया आपने? तू बता दे। सच में नहीं बताया? बता दे बता दे। गोलू से छुप के जा रहे हैं क्या? हाँ। गोलू मुंबई में मेरी वेब सीरीज साइन हो गई है। कब? इतना 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 रिएक्शन थोड़ी देना ना। तीखा तीखा खाना खाएंगे आज तो। मैंने यहाँ पे जितनी भी मिर्ची दी ने सारी काट दी, हरी मिर्च। आज हम थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाएंगे। खा लोगे स्पाइसी? आज कभी कोई तो चलता है, हरी मिर्च वैसे भी अच्छा होता है आंखों के लिए। खा लेंगे भैया, खा लेंगे। तो गाइस गैस तेज करने का ना यही फायदा है ना, देखो फटाफट प्याज पक गए। मतलब लगा लो इतनी जल्दी ना गैस पे नहीं पकते जितनी जल्दी इस पे पक गए सारी चीजें। बच्चों को लगा दे मिट्टी का। नहीं मैं भी धनिया काटूंगी, टेंशन को ले रही है। तो गाइस ये वाली जो टेक्निक है ना ये पायल की है, बहुत प्यारी और पुरानी टेक्निक है। तो पायल क्या करती है, सारे मसाले एक साथ ना डाल के उसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती है। ऐसे सब मसाले अच्छे से पक जाते हैं, जलते नहीं। तो यहाँ मेरा मसाला पक गया गाइस, बड़ी मुश्किल से पका है। एक्चुअली ना कंडे जो उपले थोड़े थोड़े गीले हैं तो आग में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे मैंने आलू धो के आलू जो है डाल दिए। ओहो कई बाल मुंह में ना आए, रोटी में ना आ जाए। अच्छा पायल कई बाल कह रहे रोटी में ना आ जाए। अच्छा याद है हम जब ऊपर छत पे अपना ये चूल्हे का काम करते थे तब कितनी ज्यादा हवा चलती थी, हम ओट देते रहते थे। है उस टाइम तो गाइस हमारा ना आधा टाइम ना ओट देने में चले जाता था। एक बार ऐसा हुआ था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, साग बना था उस दिन, मैं शांति सब ऊपर पहुंच गए। ओट देने के चक्कर में इतनी तेज हवा आई ना कि हम लोगों ने बोला चलो छोड़ो आधी पर। अरे हम वहां चले गए थे सेकंड फ्लोर पे बालकनी में बनाने। बालकनी में बनाया था हमने साग, बनाया था तूने? किसका? बट्टू का? खट्टू का? चने का साग? खट्टा? खट्टे का साग? क्या रोटी बेल के बीच में छोड़ दी। अच्छा। बेलनी नहीं है ये, मैं पूरी बेलूंगी। मैंने सोचा तवा रखेगी तब बेलना स्टार्ट करूंगी ना, कहाँ रोकू रोटियां बेल बेल के। मैं हाथ से ऐसे बनाऊंगी। ठीक है तो हाथ से बना, तो थोड़ी थोड़ी बेल फिर मैं उसको पूरी बढ़ा दूंगी। पूरी बढ़ा के वो हाथ रोटी ज्यादा अच्छी बनेगी ऐसे वाली। पायल चीकू की डिमांड है स्पेशल, कह रहे मम्मा मेरे लिए दो तीन छोटी छोटी रोटी बना दो, तो उसके लिए मैं स्पेशल बना। लाइट लेके आओ भाई, ये मेरी हॉट सीट है गाइस, ईट की सीट है। तो पहले बनाऊंगी मैं चीकू के लिए क्योंकि छोटा बच्चा है। लाइट लेके आओ भाई। तो गाइस एक साल बाद रोटी बनाई है, ये पहली रोटी मैंने बनाई थी ना वो गोल नहीं बनी थी, फिर मैंने रोटी डिलीट कर दी, दोबारा आटा गोल कर दिया। मैंने कहा यार दिस इज नॉट कृतिका मलिक, नाउ दिस इज कृतिका मलिक रोटी गोल। एक ईट मेरे को भी ला के दो। तो गाइस हमारी यहाँ सब्जी रेडी हो गई है, देख लो। हाँ क्या खुशबू आ रही है, और सिर्फ आलू की सब्जी है तब भी इतनी टेस्टी बनी है। अब हम बनाने जा रहे रोटी। गोलू ने रोटी बना के दी थी, मैंने सोचा हाथ से थोड़ी सी बढ़ा दूं और रोटी का तो वो ही निकल गए पतखट से। गोलू बस इतनी दे, बस इतनी दे, और थोड़ी मोटे मोटे बढ़ा चूल्हे पे इतनी पतली रोटी। चीकू के लिए पतली बनाई थी, चूल्हे ले पकड़, चूल्हे पे नहीं बनती बहू। अब तू इसको बड़ा करेगी। ठीक है रखा और ये ऐसे बोलू तो यहाँ रखती रहू, काफी टाइम बाद बना रही हूँ। एक काम करना, यहाँ रख दू तो पहली रोटी गाय को दे। गोलू क्या कर रही है? अरे पहली रोटी सही बनाई है, क्या कर रही हूँ क्या पतली हो रही रोटी कह रही क्या कर रही है? अरे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इतनी छोटी गाइस देखो लोहे कितनी छोटी है, ये छोटी सी लोहे के अंदर भी रोटी फट रही है। ये भी तो बनाई है और मोटी रोटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ना इनकी प्लेट हो गई है रेडी, बस एक बार ना। अच्छा वहाँ पे कटोरिया में रखी हुई है, दही ला दो दही मुझे। देखो कितनी प्यारी लग रही है सब्जी गाइस, ये होगी हमारी प्यारी रोटी। पिछले 2 घंटे से भैया सब्जी रोटी बनाने के बाद यहाँ पे एक रोटी आई हुई है जली हुई, और यहाँ पे सब्जी, और ये देखो सब्जी बन गई, चॉपिंग हो गई, सारा काम कर दिया। रोटी बनाने के लिए देखो कितने लोग आए, देख लो एक बार, ये सारे रोटी बना रहे हैं क्योंकि मैंने तो ट्राई। किसी की शादी में भी होता है ना तब भी नहीं होते इतने लोग। चूल्हे पे रोटी बनाना बहुत टफ है, बोलना आसान है। आप आती बनानी चूल्हे पे? चलो पायल
चीकू पापा को आती है। एक काम करो आप अपनी रोटी खा लो पहले, उसके बाद हमें खिलाओ। आज पाल ये ना डिस्टर्ब कर रहे हैं तेरे को, खाना खाओ तुम अपने अपनी रोटी खाओ बस। भैया रुक जाओ, छोड़ दो वो ज्यादा सीख जाएगी। जहाँ तुम मुंबई जा रही है शूटिंग में, वहाँ तो कह रहे हैं कि आपको अपना खाना पीना खुद बनाना पड़ता है। बेटा अब क्या करें, बनाएंगे हम खाना, आप मेरे साथ हेल्प करवाना। नहीं मैं तो अपना बाहर खाया करूँगा जाके होटल में। ना ना बेटा तू खाइयो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। खुद हेल्प करनी पड़ेगी मुझे तेरी, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ जी मैंने कब खाना फुला दिया पाल दे। आओ भाई आओ, खाओ भाई खाओ। ये चीकू के पापा और चीकू खा लेंगे। दे वहाँ पे लगा, घी लगा। चीकू आज नहीं, मैंने घी लगा दिए। ये मेहनत की है पाल और गोलू ने, तो मैं पहला टुकड़ा खिलाऊंगा इन दोनों को ही, ठीक है? आप तो खाओ। अरे नहीं नहीं खा लूंगा, रो मत तुम ऐसे। नहीं नहीं हम नहीं रो रहे भैया। बहुत ही मजेदार सा खाना बन गया। चीकू कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। जो हमने घर खाया था उससे डिफरेंट लग रहा है। हाँ जी। खाओ फिर, खाई तूने? नहीं मैंने नहीं खाई, आपने खाई? ये बताओ। एक टुकड़ा खाया मैंने, मैं घर जाकर जिम करवाने, इसलिए मैंने खाई नहीं। अच्छा एक रोटी खा लो, एक से कुछ नहीं होगा। टाइम हो रहा है 10 बजे, मुझे 1 घंटा कार्डियो भी करना है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट बहुत डिफरेंट है, टेस्ट का फर्क है बिल्कुल। अच्छा टेस्ट रोट उस पे नहीं आता, गैस पे नहीं आता, चूल्हे पे आता है। तो भैया मुस्कान को भी एक रोटी मिल गई है गिफ्ट में। अरे दो रोटी और आ गई, ले तू स्प्लिट में खा ले मुस्कान। ओ भैया जितने लोग भी है ना यहाँ पे आके अपनी प्लेट डालो, रोटी खाओ, बाद में ना फिर ये मत बोलना ठंडी रोटी है ना पहले। और क्या गरम गरम, तभी तो पारी करिए, साथ साथ खाते रहो। सही बनी है? बहुत बढ़िया। डालो भाई डालो, स्वाद इसे कहते हैं, जेन्युइन स्वाद होता है ना। ये ले पायलो, एक टुकड़ा खा के देख कैसी लग रही है। अभी चीकू लगाया था। अरे ये खा के देख तू, बहुत टेस्टी बनी है। कैसे लग रहा है? ओके रिपोर्ट है। तो मैं बोला गोलू और पायल को कि सर्दियों में ना सुबह का खाना यहाँ कर दो, मतलब पूरी सर्दी अगर हमने यहाँ पे खाना बना खा लिया ना मजा ही आ जाएगा। तुम्हें ना गैस की आदत छूट जाएगी। है? और पता है ये कितना हेल्दी होता है वाला चूल्हे का खाना। और चीकू पापा ये कह रहे पायल, जहाँ पे हम घर में दो रोटी खाते हैं यहाँ पे 3 खाई जाती है, ज्यादा खाई जाती है। ये देख ले चीकू नहीं खाता घर पे रोटी, यहाँ पे खा रहा है चीकू। पापा इसमें कैलोरीज नहीं होती ना? कैलोरीज का सब होता है, पर ये थोड़ी हेल्दी होती है, इसमें ना विटामिन ज्यादा होते हैं। गैस में ना विटामिन खत्म हो जाते हैं बनाते बनाते ना, इसपे पूरे होते हैं। मुस्कान भैया थाली ले आए दोबारा एक और। यस क्यों मिस करूं इतना अच्छा खाना, रोज थोड़ी मिलता है ये खाना। गाइस मेरी भी रोटी हो गई, मैंने एक रोटी खाई, मेरा पेट इतना भर गया ना, मजा आ गया। और यहाँ पे सारी टीम आ गई है, सब खाना खा रही है गरम गरम। अल सर्दियों में ना सुबह की चाय और खाना खाना है यहाँ पे, एक मजेदार फील रहेगा। सब कुछ कर दिया, रोटी बनाने में पता नहीं क्यों रोटी फट रही थी बार बार। तो भैया बांटने वाले को लास्ट में मिलता है, और वैसे ही पाल के साथ हुआ, सबके लिए बना दी। तो तू दोबारा खा रही है? पहले एक रोटी खाई। हाँ। पहले एक बुरकी चीकू के साथ खाई, फिर मैंने एक पूरी रोटी अकेले खाई, फिर पाल की दो रोटी बन गई। पाल कह रहे गोलू काम कर खाएगी, मैंने आधी रोटी खा लेती हूँ, तू बोलती है तू फिर दोबारा खा ली। गाइस बस खाना वाना खा लिया हमने, पेट पूजा हो गई, अब जा रहे हम घर। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।